गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि क्लास फिफ्थ में चैप्टर टू हमने कंप्लीट कर लिया था, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और नोटबुक भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग राइट करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, आप लोग को पता है, सबसे पहले पार्ट डालते हैं, फिर पार्ट का नाम डालते हैं, फिर उसके बाद शब्द इधर डालते हैं और इधर डालते हैं अर्थ। ओके, तो सभी लोग डाल लेंगे, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सभी लोग मीनिंग राइट कर लें। देखिए, पहली मीनिंग दी गई है संयोगवश, मतलब सौभाग्य से कोई चीज़ फॉर्चुनेटली हो जाना, सौभाग्य से हो जाना। विज्ञापन मीन्स होता है नौकरी की सूचना, मतलब कोई विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, नौकरी की सूचना। फिर आवेदन पत्र, आवेदन पत्र मीन्स होता है प्रार्थना पत्र, यानी अप्लीकेशन कोई देता है ना, वही हो गया आवेदन पत्र। अपशकुन, अपशकुन मीन्स होता है अशुभ की पूर्व सूचना। लोग बोला करते हैं कि हमने ये काम कर दिया, बिल्ली रास्ता कट गई तो क्या हो गया, अपशकुन हो गया। वैसा ही ठिठकना, ठिठकना मीन्स होता है चलते चलते रुक जाना, इकट्ठा रुक जाना। विपदा, विपदा मीन्स होता है कष्ट। सरासर, सरासर मीन्स पूरी तरह या बिल्कुल। अंधविश्वास, बिना सोचे समझे बात को मान लेना, क्या होता है अंधविश्वास। इसके बाद प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना मतलब इंतज़ार करना, या प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। हानि, हानि मीन्स होता है नुकसान या लॉस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना। तो चलिए चैप्टर में क्या दिया गया है, चैप्टर का नेम है, पहले देख लेते हैं अपशकुन, अपशकुन। अब देखेंगे स्टोरी में क्या दिया गया है। नीरज और गोपाल गहरे मित्र थे, किंतु दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। वे शहर से पढ़ लिख कर साथ साथ अपने गांव लौटे और नौकरी ढूंढने लगे। दो मित्र नीरज और गोपाल, दोनों ने शहर में पढ़ाई की और उनके जो विचार थे, विचार अधिकतर मिलते नहीं हैं लोगों के, तो वैसे ही इनके नहीं मिलते थे। और वो घर आकर फिर पढ़ाई कर मतलब घर आ गए, गांव लौट आए और नौकरी ढूंढने लगे। संयोग बस उन्हीं दिनों डाक विभाग में, जो डाकघर था वहाँ, नौकरियों का विज्ञापन निकला, एडवर्टाइजमेंट निकला। तो क्या हुआ, दोनों मित्रों ने डाक विभाग में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर दिया। अब इसके बाद थोड़े दिन बाद डाक विभाग से दोनों के पास पत्र आए। डाक विभाग ने नौकरी के संबंध में बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया था, ठीक है, इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया था। दोनों को सोमवार सुबह 11 बजे डाक विभाग पहुँचना था। दोनों बहुत प्रसन्न हुए, शहर जाने की तैयारी करने लगे। समय से पहुंचने के लिए दोनों सुबह 9 बजे ही घर से निकलना था उनको, ठीक है। तो वे घर से निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर खड़ी गोपाल की बहन ने छींक दिया। गोपाल घबरा गया, वह बोला, नीरज अब जाना बेकार है, यह नौकरी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि छींक बहुत बड़ा अपशकुन होता है। नीरज हंसने लगा और अरे तुम पढ़ लिख कर भी अपशकुन, शकुन और अपशकुन की बातें करते हो, उसमें विश्वास करते हो, चलो चलो छींक से कुछ नहीं होता। कौन बोला, नीरज। गोपाल बोला, होता कैसे नहीं है, मेरी दादी कहती हैं कि ये तुम किसी काम को करने जा रहे हो और किसी ने छींक दिया तो क्या होगा, वह काम नहीं होता, गोपाल बोलता है। और दिया गया, और मेरी दादी बोलती हैं कि सुबह उठते ही 8 से 10 बार छींक देती हैं, छींकने से यदि काम रुकता होता। नीरज बोलता है कि मेरी दादी तो सुबह उठते ही 8 से 10 बार तक छींक देती हैं, अगर छींकने से ही काम रुकता होता तो क्या होता, हमारे घर का कोई काम नहीं होता। पर ऐसा तो नहीं हुआ कुछ, आओ चलें। गोपाल बेमन से नीरज से साथ, नीरज के साथ चल देता है। गोपाल का मन तो नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है अब सुकून हो गया, तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो क्या करता है, उसके साथ चल देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। पर उसका मन कहता है कि जाना बेकार है, वो मन से अभी हारा था। किसी की छींक देने पर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, उसका यह अंधविश्वास था। थोड़ी ही देर में वे गांव के बाहर पहुंचे, दूर से बस आती हुई दिखाई दी। नीरज ने कहा, दौड़ो गोपाल दौड़ो, बस निकल जाएगी। दोनों बस की ओर दौड़ने लगे। गोपाल के पैर तो आगे बढ़ रहे थे पर मन पीछे लौट रहा था। अचानक एक बिल्ली उनके सामने से निकल गई। गोपाल एकदम रुक गया, नीरज से पूछा, क्यों, अब क्या हुआ, ठिठक क्यों गया, रुक क्यों गया इकट्ठा, तो जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी, नीरज बोलता है। गोपाल झुंझलाकर बोलता है, निकल जाने दो, देखते नहीं बिल्ली रास्ता काट गई है, नौकरी तो मिलेगी नहीं और भी न जाने क्या क्या विपदा झेलनी पड़े। ना भाई ना, मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा, गोपाल कहता है। फिर क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो पर इसका अगला पार्ट में पढ़ेंगे इसका आगे का, ठीक है, स्टोरी। तो अभी आप इतनी स्टोरी पढ़ लेंगे, उसके बाद अगली स्टोरी पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी साथ कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, थोड़ा सा रह गया चैप्टर, उसको पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे।